नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग लिसनर्स, आज हम वापस एक बार यूएस मार्केट्स के साथ पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो अभी भी कई सारे इवेंट्स हैं जो आज के दिन में अनफोल्ड हो सकते हैं, और इन्फोसिस के नंबर्स या आईआईपी के नंबर्स या सीपीआई के नंबर्स, इन सभी नंबर्स को आज मार्केट आवर्स के बाद हम फ्लैश होते हुए देखेंगे। और यूएस इन्फ्लेशन के भी नंबर्स आज ही आएंगे, और इसी वजह से मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी का पैटर्न बना हुआ है। यूएस मार्केट्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी, क्योंकि वहाँ पे अगेन वही एक्सपेक्टेशंस है कि जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो 7.10 के नीचे आ सकते हैं, जो कि एक ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन होगा। इंडियन करेंसी अगर आप देखें तो वहाँ पर हमने लगातार एक स्ट्रेंथ देखा है, 83 के करीब थे हम कुछ दिन पहले, अभी हम 81.50 के करीब आ चुके हैं इंडियन करेंसी को लेके। तो अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखें तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस दे रहा है। बट अगर आप एफआईएस की अगर एक्टिविटी देखें तो वो कंसिस्टेंटली इक्विटी मार्केट में बेच रहे हैं, और कल के दिन में भी उन्हें एक बड़ा चंक इक्विटी मार्केट में बेचा है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट में बाहर है, लेकिन अगर ओवरऑल पैटर्न को देखें तो ये काफ़ी एक बिग डिसकनेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि अगर इंडियन करेंसी में अगर स्ट्रेंथ अगर आता है तो एफआईएस की एक्टिविटी में एक परिवर्तन आता है और एफआईएस की खरीदारी की शुरुआत होती है। इस बार देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में एफआईएस की एक्टिविटी कैसे रहती है। बट अदरवाइज़ अगर हम हमारे टेक्निकल सेटअप को देखें तो यहाँ पे भी एक बड़े रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आज के दिन में मार्केट ने अगर 18,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस किया तो वापस उसे कई सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं अराउंड 18,050, 18,100, सो एवरी 50 पॉइंट्स ऊपर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग अगर मार्केट 18,000 प्लस कर लेता है तो फिर ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होगा कि यहाँ से बुलिश इंडिकेशन होगा कि यहाँ से मार्केट और बढ़ सकता है। बट अगर आज भी मार्केट 18,000 के नीचे ही रहा और लोअर लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ तो फिर मार्केट में आने वाले दिनों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मार्केट की जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी जो बड़ी है और जो मार्केट एक ही रेंज के अंदर बड़ा टाइम निकाल रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट एक बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और उस बड़े मूव का जो हमें ट्रेंड देखने मिलेगा वो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी का जो मार्केट है वो लोअर बाउंड्री पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर मार्केट 17,750 के लेवल्स को तोड़ता है तो हम 17,500 से लेकर 300 के लेवल्स काफ़ी शॉर्टली देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मार्केट ने अगर 18,270 के लेवल्स को क्रॉस किया, जो काफ़ी ऊपर के लेवल्स है, तो उसके बाद हमें मार्केट में तेज़ी देखने मिलेगी, जो शायद 18,500 18,700 तक लेके जाए। लेकिन इसी रेंज के अंदर जो मार्केट का जो एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ये मार्केट को एक बड़ा ट्रेंड आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज हम फोकस करेंगे मेटल्स के ऊपर, BFSI के ऊपर, साथ ही साथ ऑटो एंड कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग। तो ये तीन चार सेक्टर है कि जहाँ पे हमें कंप्लीट फोकस करना है। आईटी सेक्टर्स के ऊपर हमें लगता है कि एक बार आईटी के नंबर्स आने दीजिए। आज इन्फोसिस के नंबर्स हैं, एचसीएल टेक के नंबर्स हैं और टीसीएस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मोटा मोटी जो भी आईटी के ऊपर एक व्यू बनने वाला है वो मुझे लगता है कि शायद आज के नंबर्स के बाद बनेगा कि ओवरऑल आईटी सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, और आप सबके लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।